डीडीसी ने किया जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने जगदीशपुर पहुंचकर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पंजी का निरीक्षण किया, साथ ही प्रखंड कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर डीडीसी ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह निरीक्षण था। निरीक्षण के दौरान प्रखंड कार्यालय का कार्य संतोषजनक पाया, परंतु पंजीयों संधारण अपडेट नहीं है, इसे शीघ्र सुधारने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रखंड कार्यालय में गंदगी को देख इसे सफाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि गंदगी करने वाले के ऊपर फाइन किया जाएगा। भाजपा से अलग होकर महागठबंधन की सरकार अपने फिर से कुर्सी संभाली। खुशी में वार्ड 42 के पार्षद के नेतृत्व में मिठाई बांटकर किया गया खुशी का इजहार। भाजपा से अलग होकर महागठबंधन की सरकार फिर से बिहार में सत्ता में आई और नीतीश कुमार को 8वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री। इस खुशी में भागलपुर के अलीगंज वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरयू प्रसाद के नेतृत्व में लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। वहीं वार्ड पार्षद ने कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता व भागलपुर विधायक अजय शर्मा को मंत्री पद मिले इसके लिए भी कहते दिखे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय शर्मा और भागलपुर के विधायक को मंत्री पद अवश्य मिले इस पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी किया और कहा, बीजेपी का पतन बिहार से प्रारंभ हो गया है, अब महागठबंधन की पार्टी बिहार को मजबूत करेगी। इमामबाड़ा से सिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस, शाहजंगी में क्या पहला। आसानंदपुर इमामबाड़ा से आलम का जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में सिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सभी इमामबाड़ा से हुसैन की शहादत को याद कर लोगों ने जंजीरी मातम कर गम का इजहार कर रहे थे। मजलिस के बाद जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग ने जंजीर से मातम किया। जंजीरी मातम कर रहे लोगों ने बताया कि उसके शरीर को यह जख्म दवा के बगैर भी भर जाते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम करबला में होते तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत ना होने देते और अपनी जान की कुर्बानी दे देने के बावजूद ऐसा ना हो सका। करबला की याद में हुसैन के नाम पर अपना खून बहाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा को लेकर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शहर में निकाला 75 मीटर लंबा तिरंगा शोभा यात्रा। राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को लेकर देश की जनता के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज 75 मीटर लंबा ध्वज शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण किया गया। यह तिरंगा यात्रा लाजपत पार्क मैदान से निकलकर खलीफा बाग चौक होते हुए कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, घंटा घर चौक होते हुए लाजपत पार्क मैदान में समाप्त हुआ। 75 मीटर के इस तिरंगा शोभा यात्रा की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष रोहित पांडे करते दिखे। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी व व्यवसायी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह तिरंगा यात्रा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे को चरितार्थ करता दिखा। रोहित पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा को लेकर लोगों को जागरूक करना और लोगों से अपील करनी है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। फिर एक बार भागलपुर रचेगा इतिहास, बनाएगा विश्व कीर्तिमान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज आगामी 13 अगस्त को भागलपुर के लाजपत पार्क में फहराया जाएगा। यह जानकारी कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक अध्यक्ष अर्जित शास्त्र चौबे ने दी। आज़ादी के 75 वर्ष पर 75 मीटर लंबा तिरंगा को 75 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जयप्रकाश मैदान के लाजपत पार्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 13 अगस्त को 9 बजे प्रातःकाल फहराया जाएगा। यह जानकारी इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे ने दी। हम सभी लोग यहाँ पर आज विशेष रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह जो कार्यक्रम राष्ट्र भर में चल रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा ले जाने की योजना बनी और इसी निमित्त भागलपुर में भी कैसे जन जागरण हो, 13 से लेकर के 15 तारीख तक हर घर के बालकनी में, कॉरिडोर में, खिड़कियों पर,
दरवाजों पर और उनके अगर आंगन है वहाँ छतों पर तिरंगा लहराना चाहिए, ऐसा एक माध्यम हम लोगों को मिला है। इसके लिए जन जागरण के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम आपके समक्ष फिर से लेकर के आए हैं, और जिस प्रकार से पूर्व में दो बार भागलपुर साक्षी बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, 2019 में मन में बापू कार्यक्रम से आप लोगों ने देखा कि 6200 बच्चों ने यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और भागलपुर का नाम विश्व पटल पर रखा गया था, उसी प्रकार से 5,08,000 दियों से रामनवमी नववर्ष के अवसर पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ था।